मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मृत लोगों में 5 मरीज और 3 अस्पताल के कर्मचारी थे और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोपहर 2:45 पर 3 मंजिला अस्पताल के मेन गेट के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया गया कि आग इतनी भीषण थी कि लोग बाहर नहीं निकल सके। जबलपुर के कलेक्टर इलैया राज टी ने बताया कि हादसे के वक्त अस्पताल में 20 से 25 लोग थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।